अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। देखिए, वर्मा टेक्सटाइल और सयारा के ताल्लुक आज के नहीं बल्कि बरसों पुराने हैं। फिर भी आप सयारा के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से इनकार क्यों कर रहे हैं? क्या इनकार हमारी तरफ से किया गया है? आप सयारा में किसके साथ बिजनेस डील कर रहे थे? ठीक है, बाय। आपने वर्मा टेक्सटाइल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों रिजेक्ट कर दिया? ऐसे ही? इतना बड़ा डिसीजन लेने की कोई तो वजह होगी। है। क्या? मुझे है ना उनकी शक्ल पसंद नहीं। आपने एक ऐसी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर दिया जिसके सयारा के साथ 15 साल पुराने ताल्लुक हैं, जिसने हर डिलीवरी वक्त पर की है और जो सयारा के हर मुश्किल हालात में उसके साथ था। ब्ला 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 ब्ला। आरजू, मैंने डिसीजन ले लिया है और सयारा में अनम चौधरी के डिसीजन को कोई चैलेंज नहीं करता। एंड ऑफ स्टोरी। एंड नहीं, ये तो शुरुआत है। आप इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकती हैं? मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। तुम मुझे पूछने वाली होती कौन हो? आरजू साहिर की बीवी है। इस घर पर, सयारा पर आरजू का भी बराबर का हक है और वो उसी हक से तुमसे जवाब मांग रही। ये बीवी तो जरूर है पर दूसरी और डाउन मार्केट। और यू नो, डाउन मार्केट आइटम की वैल्यू हमेशा कम हो जाती है। अनम, गुस्सा बचा कर रखिए अम्मी। अभी तो आपकी इस डाउन मार्केट बहू की वजह से साहिर की जान जाते जाते बची है। अगर आपकी ये बहू साहिर की जिंदगी में और रही तो न जाने साहिर के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। अपना गुस्सा तब के लिए बचा कर रखिएगा। अगर आपकी ये बहू साहिर की जिंदगी में और रही तो न जाने साहिर के साथ साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। अरे ये निकाह तो होना ही नहीं चाहिए था। ये निकाह हुआ है, सब कुछ तबाह तबाह तबाह। क्या ऐसा हो सकता है कि कुर्ती आपा और अनम जो कुछ कह रहे हैं वो सब सच है? क्या गले का हार फांसी का फंदा बन गया है? क्या हम ही साहिर की जिंदगी में हो रही इस हलचल की वजह है? अल्लाह नूस, सच तो यही है कि जब से हमारा और साहिर का निकाह हुआ है तभी से साहिर की जिंदगी में ये हादसे हो रहे हैं। उनकी जान को खतरा है। मतलब हम साहिर की जिंदगी में बदकिस्मती बनकर आए हैं। कि उनके साथ कोई हादसा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हेलो, आप ठीक है ना? हाँ।
सच बताइए, आप ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? हमने अपनी खैरियत के नहीं आपकी खैरियत जानने के लिए फोन किया है। फर्जू बात क्या है, क्या हुआ है? कुछ होना जरूरी है क्या? हम आपसे बात करने के लिए फोन नहीं कर सकते? अपने हस्बैंड से बात करने के लिए भी हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। नहीं, तुम अपने हस्बैंड को जब तुम्हारा दिल करे फोन कर सकती हो। शुक्रिया, आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको कुछ हो गया तो ये घर बिखर जाएगा, हम बिखर जाएंगे। I promise, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा। अब खुश जी। सुनो, किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं। रो रही हो? नहीं। मेरा एक काम करो, अपने आंसू पोछ लो। आपको कैसे पता चला कि हमारी आंखों में आंसू है? आपने घर में कैमरे लगा रखे हैं क्या? नहीं, मैं तुम्हें देख नहीं सकता तो क्या हुआ, सुन तो सकता हूँ। वो क्या है ना, जब तुम रोती हो तो तुम्हारी आंखों के साथ साथ तुम्हारी आवाज भी भीग जाती है। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा मुझे, ना ही मैं किसी को कुछ होने दूंगा। आप है तभी तो हम है ना। I'll see you soon. खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप हैं तभी तो हम है ना। पानी अब सिर से ऊपर आ गया है शिराज। अनम का शौहर होने के नाते उसे रोकना तुम्हारी जिम्मेदारी थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया, इसलिए अब तुम्हारी अम्मी और अनम की सास होने के नाते मैंने कुछ फैसले लिए हैं। बस यही बताने के लिए मैंने तुम्हें फोन किया था। अल्लाह। जी अम्मी। साहिर, मुझे पता है कि तुम बहुत जरूरी मीटिंग में गए हो, लेकिन मुझे तुम्हें जो कहना है वो भी बहुत जरूरी है। अम्मी सब ठीक तो है ना? कुछ हुआ? अब हो जाएगा। साहिर, मैंने कुछ फैसले लिए हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। हाँ बोली। साहिर, आज अनम ने आरसू से बदतमीजी की। सयारा की बीबी बनने के हवस में वो अपनी सारी हदें भूल गई है, और इस बारे में मैंने शिराज से भी बात कर ली है। कल से अनम सयारा में काम नहीं करेगी, और मैं नहीं चाहती कि अनम को इस बारे में कोई गलतफहमी रहे। अनम को सयारा से निकालने का ऑफिशियल अनाउंसमेंट तुम करोगे। अम्मी, लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला है, बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है, और अनम ने बहुत मेहनत की है सयारा के लिए। आई थिंक हमें एक बार उनसे बात करनी चाहिए, एक बार वो समझ जाएंगे। साहिर, मैंने फैसला ले लिया है। अनम सिर्फ सयारा के एम्प्लॉय ही नहीं, इस घर की बहू भी है। उसे ये समझना होगा कि रिश्ते बिजनेस से बड़े होते हैं। मेले को एक ग्लास पानी का लेकर आएगा? किसी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं? मैंने एक ग्लास पानी मांगा है, कोई है इस घर के अंदर? गुरुजी, कर रहे हो? जी दस। पर 10 साल से तुम्हें ये नहीं पता कि मैं ठंडा पानी नहीं पीती हूँ? जाओ, मेरे लिए रूम टेम्परेचर वाला पानी लेकर आओ। जी। Just go! Dumb people in this house! क्या बात है छोटी बेगम? आज आपका पारा 7वें आसमान पर है। वजह एक ही है कुर्ती आपा, आपकी वो फेवरेट लखनवी बकरी, ब्लडी स्मॉल टाउनी। जब से वो इस घर में आई है मेरी जिंदगी उसने मुश्किल करके रखी है। इस घर में मेरी जगह ले ली, सयारा में भी मेरी जगह ले ली। अगर वो साहिब की बीवी नहीं होती तो उसकी हैसियत ही क्या थी? ना उसमें कोई टैलेंट, ना स्टाइल। लड़ी गवार कहीं की मेरी बराबरी करने को चली है,
मेरा बस चले तो मैं उसे हमेशा के लिए यहां से दूर कर दूं। इस घर से, सैयारा से, साहिर से। इरादा तो बहुत ही नेक है छोटी बेगम, पर इस इरादे को पूरा करने की हिम्मत भी रखती हो? हिम्मत भी है और नियत भी। किसी भी हद तक जा सकती हो? हाँ, आरजू को इस घर से निकालने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, चाहे मुझे उसके लिए उसकी जान भी क्यों ना लेनी पड़े। कानों में शहद या छोटी बेगम आप, वाह, आज तुमने बड़ी सही बात की है, मजा आ गया। क्या साहिर की मीटिंग अभी तक खत्म नहीं हुई? कब आएंगे वो घर? हमें इतना अजीब क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ बुरा? ए बकरी, मेरी जीनत के कपड़े कहाँ रखे? कुर्तियापा, हमें नहीं पता आप किन कपड़ों का जिक्र कर रही हैं। हम पहले से बहुत परेशान हैं, प्लीज हमें और परेशान मत कीजिए। देखो कैसी भोली बन रही है, पहले तो तुमने मेरी जीनत के कमरे में कब्जा कर लिया है, फिर उसकी यादों को निकाल के कमरे से बाहर फेंक दिया, अब कहती है हमें नहीं पता उसके कपड़े कहाँ रखे। हम भला ऐसा क्यों करेंगे? दूसरी बीवी हो इसलिए। दूसरी बीवी हमेशा अपने आप को पहली बीवी से कम समझती है, तभी तो तू उसकी यादें मिटा रही है। लेकिन तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, चाहे एक एक चीज इस कमरे से निकाल के बाहर रख दे, लेकिन तू साहिर के दिल से जीनत को कभी नहीं निकाल पाई। हमें जीनत की किसी भी चीज के बारे में कुछ नहीं पता, हमने उनकी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया है सिवाय उसके शौहर के। तू साहिर के लिए सिर्फ एक खिलौना है जिसपे वो मेहरबान है। जिस दिन मेरी जीनत ठीक हो जाएगी ना, उस दिन वो तेरी तरफ देखेगा भी नहीं, क्योंकि जब साहिर जीनत को देखता था तो बस देखता ही रहता था, उसकी खूबसूरती को, उसकी अदा को। वक्त मानो उसके लिए थम जाता था। अल्लाह बुरी नजर से बचाए जब मेरी जीनत बाल खोल के साड़ी पहन के निकलती थी तो जमीन और आसमान रुक जाते थे। अरे जिसकी जिंदगी में इतनी खूबसूरती हो वो तो शायर बनेगा ही। अरे जीनत की वजह से ही तो साहिर शायर बना। दीवानों की तरह मोहब्बत करता था साहिर जीनत से, उसकी खूबसूरती से। उसके दिल में जीनत थी, जीनत है और जीनत ही रहेगी। तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, तू जीनत की जगह नहीं ले सकती, कभी नहीं ले सकती। क्या जीनत इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत? क्या हम कभी जीनत की जगह ले पाएंगे? क्या कभी वो बन पाएंगे जिसके लिए साहिर शेर लिखे? हम साहिर की बीवी तो बन गए, क्या कभी साहिर के दिल की आरजू बन पाएंगे? अब फूल ले लो ना साहब, अपने लिए ना सही, अपनी बीबी या अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ले लो ना साहब, शायद ये फूल उनको पसंद हो साहब, ले लो ना साहब। दे दो साहब। कितना दो साहब, एक या दो? सारे साहब, आप तो बहुत रोमांटिक हो साहब। साहब छूटते नहीं है साहब, ले मांगे। थैंक यू। हेलो, वो मैंने
ये पूछने के लिए फोन किया था कि तुम डिनर करती हो क्या? जी मैं भी करता हूँ। जी मेरा मतलब है कि तुम आज डिनर नहीं करोगी। ठीक है ठीक है, मैंने कहा डिनर नहीं करोगी तो नहीं करोगी। जी अगर आप कह रहे हैं तो। ये तो बहुत छोटी सी बात है। अगर आप हमें बचाने के लिए गोली खा सकते हैं तो हम एक रात का खाना नहीं छोड़ सकते। मेरी हर बात मानने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरी जिद्दी आरजू ही पसंद है। आज डिनर बाहर करें साथ में। तुमने सुना मैं? जी चलोगी? जी आप कह रहे हैं तो चल पड़ेंगे। मीट मी एट रेनबो रेस्टोरेंट। खुदा हाफिज। चारों के चारों ड्रेसेस बहुत खूबसूरत है। कौन सी पहने? मिस्टर हस्बैंड ने पहली बार हमें डिनर पे बुलाया है। कोई अच्छी ड्रेस ही पहननी पड़ेगी। ये अल्लाह नोस, कंफ्यूजन ने तो हमारी चरस ही बो दी है। कौन सी ड्रेस पहने? ये दोनों ट्राई करते हैं। नहीं नहीं ये तो पुराना है। ये तो बहुत सिंपल है। वो दोनों ड्रेसेस ट्राई करते हैं। कौन से पहने? ये तो अभी अभी पहना था। खूबसूरत है लेकिन इतना भी खूबसूरत नहीं है। क्या करें? मिसेज आरजू साहिर चौधरी, ये कोई मामूली बात नहीं है। मिस्टर हस्बैंड ने पहली बार डिनर के लिए बुलाया है और हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम इतने खूबसूरत तो दिखें कि जब मिस्टर हस्बैंड हमें देखे तो देखते रह जाए। वो हमें ऐसे देखें जैसे जिस दिन मेरी जीनत ठीक हो जाएगी ना, उस दिन वो तेरी तरफ देखेगा भी नहीं। क्योंकि जब जाहिर जीनत को देखता था तो बस देखता ही रहता था। अब हम भी वैसे बनेंगे जैसे साहिर चाहते हैं, जैसे उन्हें पसंद है, ऐसे कि जब उनकी नजरें हमें छुए तो हमारा दामन छोड़ ही ना पाए। हेलो विजय, हमें सयारा से एक आउटफिट चाहिए। एक वक्त ये कुर्ती यापा को दिखाए बिना क्या लिए जा रहे हो? जी वो आरजू मैडम के लिए सायरा से ये ड्रेस आई है। वो तो ठीक है लेकिन हम भी तो देखें जरा उस मुफ्तखोर ने क्या मंगवाया है सयारा से। दिखाओ। तो ये बात है, बकरी चली हंस की चाल। अब तो बताना ही पड़ेगा कि ये कुर्ती यापा कितनी बड़ी कुर्ती चीज है अपने कर्म से। ये शाम बकरी को हमेशा याद रहेगी। इधर ही रुको। जी अभी आते हैं हम। सीधे आरजू,
मैं सिर्फ ये लिबास नहीं, साहिर के साथ तेरी शाम का अंजाम बदल रही हूँ। ये लो, मैं देख लिया सब ठीक है, जाके दे दो। अब आएगा मजा जब साहिर आरतू को इस रंग में देखेगा।